अयोध्या में भूमि पूजन से पहले रामलला के दर्शन का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है। वीकेंड पर दो दिन के लॉकडाउन के चलते अभी हफ्ते में 5 दिन ही रामलला के दर्शन हो पा रहे हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले दर्शन की अवधि बढ़ा दी गई है। सोनू सूद ने कहा, जो लोग सुशांत से मिले नहीं हैं उसकी मौत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टर सोनू सूद ने कहा कि कई लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोचिए पटना में रह रहे उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। सोनू ने कहा, जो लोग कभी सुशांत सिंह राजपूत से मिले नहीं थे वो मुद्दे पे बहस करना चाहते हैं। मोडर्ना ने अमेरिका में शुरू किया लेट स्टेज कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मोडर्ना ने सोमवार को बताया है कि उसने अमेरिकी सरकार द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट mRNA-1273 का लेट स्टेज परीक्षण शुरू कर दिया है, जो तकरीबन 30,000 व्यक्तियों पर किया जाएगा। अस्पताल से डिस्चार्ज हुई ऐश्वर्या और आराध्या। अमिताभ बच्चन बोले, मैं रोक नहीं पाया अपने आंसू। अमिताभ बच्चन ने बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ट्वीट कर खुशी जाहिर की है और ईश्वर को धन्यवाद दिया है। उत्तराखंड में कोरोना के 224 नए केस दर्ज, कुल मामले बढ़कर 6,328 हुए। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक कोविड-19 के 224 नए मामले मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6,328 हो गई है। राज्य में अब तक 3,675 लोग ठीक हो चुके हैं और 66 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया मौसम की जानकारी देने वाला मोबाइल ऐप मौसम। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मौसम की जानकारी देने वाले भारतीय मोबाइल ऐप मौसम को लॉन्च किया। इस ऐप पर किसी लोकेशन के किसी मौसम की जानकारी के साथ साथ अगले 7 दिन के मौसम की जानकारी भी होगी। शंघाई से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी से गुजरा अमेरिकी लड़ाकू विमान। चीनी थिंक टैंक के मुताबिक एक अमेरिकी पनडुब्बी रोंदी लड़ाकू विमान रविवार को शंघाई से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर ताइवान स्टेट से होकर गुजरा है। पाकिस्तान में गुरुद्वारे को मस्जिद बनाने की कोशिश पर भारत ने जताया कड़ा विरोध। पाकिस्तान के लाहौर में शहीदी स्थान गुरुद्वारे को मस्जिद के रूप में परिवर्तन करने की कोशिश की खबर पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। हिमाचल में कोरोना के 94 नए केस, कुल मामले 2,270। हिमाचल में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 94 नए केस मिलने के बाद कुल मामले बढ़कर 2,270 हो गए हैं, जिसमें से 1,025 मामले सक्रिय हैं। WHO ने कहा, हम महामारी के कैदी नहीं हैं, हम में से हर कोई अच्छा कर सकता है। कोरोना वायरस महामारी पर WHO ने कहा, हम महामारी के कैदी नहीं हैं, हम में से हर कोई अच्छा कर सकता है, भविष्य हमारे हाथों में है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड, थाईलैंड जैसे बड़े देशों ने WHO की सलाह मानी और बड़े पैमाने पर प्रकोप को रोकने में अच्छा प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,706 नए मामले दर्ज, मृतकों की संख्या बढ़कर 13,883 हुई। महाराष्ट्र में 8,706 नए मामले मिलने के बाद कुल मामले बढ़कर 3,83,723 हो गए हैं और मृतकों की संख्या बढ़कर 13,883 हो गई है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 के 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा, मुंबई और कोलकाता के उच्च क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करते हुए कहा, आज भारत में 5 लाख से ज़्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं, आने वाले हफ्तों में इसे 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस इस हफ्ते करण जौहर से करेगी पूछताछ। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि इस हफ्ते सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में फिल्म मेकर करण जौहर का बयान दर्ज किया जाएगा। धूल चेहरे पर जमी है और वो आईना बदल रहे हैं, स्वास्थ्य सचिव को हटाए जाने पर तेजस्वी बोले। बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह को हटाए जाने के बाद RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग को तीसरा प्रधान सचिव मिला है। दिल्ली मेट्रो को इस साल जितना लोन चुकाना था उससे ज़्यादा हो चुका घाटा।
DMRC जल्द ही दिल्ली मेट्रो के मामले में सरकार की सलाह ले सकती है, लेकिन किसी भी तरह की छूट देने के लिए उसे अपनी गाइडलाइंस में बदलाव करना होगा, जिसके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है। पंजाब में लगातार दूसरे दिन आए कोरोना के एक दिन में सर्वाधिक मामले, कुल केस बढ़कर 13,769 हुए। पंजाब में लगातार दूसरे दिन कोरोना के एक दिन में सर्वाधिक मामले सामने आने के बाद कुल केस बढ़कर 13,769 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 318 हो गई है। अनिल बलूनी को भी इस घर में उतनी खुशियां मिले जितनी मुझे मिली, बंगले को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि आज ही श्री अनिल बलूनी और उनकी पत्नी से बात हुई, मैं ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। उन्होंने लिखा है कि आशा करती हूं कि मुझे इस घर में जितनी खुशियां मिली हैं उन्हें भी उतनी ही मिले। जो जॉन्स और सोफी टर्नर के घर आया नया मेहमान, प्रियंका चोपड़ा बनी चाची। जो जॉन्स और सोफी टर्नर पेरेंट्स बन गए हैं, सोफी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। कोरोना वायरस वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल है या नहीं, इसकी दोबारा जांच करेगा WHO। WHO ने कहा है कि COVID-19 के वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति पर चर्चा के लिए एक बैठक होगी। 1 करोड़ की फिरौती मांगने के बाद यूपी में पान बेचने वाले शख्स के 14 वर्षीय बेटे की हत्या। गोरखपुर में एक पान विक्रेता के 14 वर्षीय बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। बच्चे का शव सोमवार शाम गोरखपुर के एक नहर के पास मिला। बच्चे के पिता ने कहा, रविवार दोपहर मेरा बेटा खेलने के लिए बाहर गया था, शाम को मुझे अज्ञात नंबर से फोन आया और 1 करोड़ की फिरौती की मांग की गई।